ब्रूक हैलिडे न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम में एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाती हैं। इन्होंने फरवरी 2021 से अपने देश के लिए इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलना शुरू किया। तो आइए जानते हैं इनके बारे में इनके जीवन परिचय के साथ। इनका पूरा नाम ब्रूक मैरी हैलिडे है और इनका जन्म 30 अक्टूबर 1995 हैमिल्टन न्यूजीलैंड में हुआ। इनके भाई का नाम है जेरॉड। ब्रूक हैलिडे बाएँ हाथ की बैटर और दाएँ हाथ की मीडियम पेस बॉलर है। टीम में इनकी मुख्य भूमिका एक ऑलराउंडर की होती है और इनकी जर्सी नंबर है 68। ब्रूक हैलिडे की कैप नंबर यानी इनका देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण नंबर T20I में इनकी कैप नंबर 51। इन्होंने अपना पहला 2020 इंटरनेशनल मैच 3 मार्च 2021 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला और वनडे में इनकी कैप नंबर 141। इन्होंने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 23 फरवरी 2021 ये भी इंग्लैंड के खिलाफ खेला। और ब्रूक हैलिडे डोमेस्टिक लेवल यानी घरेलू स्तर पर 2012 से नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट से खेलती हैं। इनके तीन भाई हैं जिनमें से एक जेरॉड न्यूजीलैंड रग्बी यूनियन प्लेयर है। ब्रूक हैलिडे को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक़ था और 2012 में न्यूजीलैंड के लिए अपने डोमेस्टिक क्रिकेट की शुरुआत की। नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट से 9 सीजन खेलने के बाद फरवरी 2021 में ब्रूक हैलिडे को इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लिए न्यूजीलैंड टीम से बुलावा आया और इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैचों की सीरीज के प्रैक्टिस मैच में 56 गेंदों पर 79 रन बनाए, जिसके बाद 23 फरवरी 2021 को इंग्लैंड के खिलाफ ही इन्होंने वनडे इंटरनेशनल में पदार्पण किया और 1 मार्च 2021 को ब्रूक हैलिडे को न्यूजीलैंड की महिला 2020 अंतर्राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया और इंग्लैंड के खिलाफ ही 3 मार्च 2021 को अपना T20I डेब्यू भी किया और इन्हें ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड में महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट किया गया। फिर मई 2021 में ब्रूक हैलिडे को 2021-22 सीजन से पहले न्यूजीलैंड क्रिकेट से पहला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला और इन्हें 2022 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए और 2022 कॉमनवेल्थ गेम में क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए न्यूजीलैंड के टीम के स्क्वाड में शामिल किया गया। ब्रूक हैलिडे को अभी इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को साबित करने की ज़रूरत है, तो हम इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और चाहते हैं कि ये अच्छा क्रिकेट खेलें और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। यह चैनल वीडियो केवल मनोरंजन और सामान्य जानकारी के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हर वीडियो कड़ी मेहनत लगन और सच्चे मन से बनाई गई है। सभी डेटा सामग्री का उपयोग उचित दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि किसी का मानना कि किसी भी कॉपीराइट सामग्री का अनाधिकृत तरीके से उपयोग किया गया है, तो कृपया हमसे TeamNationTamasha@gmail.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।